बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाछा बैठे हैं एक पेड़ के नीचे प्रवचन कर रहे हैं, कुछ लोग भी बैठे हैं। एक सेठ आकर बैठ गया उसमें, बहुत बड़ा सेठ, अत का धन है उसके पास। गुरु नानक पातशाह, अंतर्जामी पातशाह, अपने मुखारविंद से उस वक्त एक घटना सुनाई, साखी सुनाई उस सेठ को, संगत भी बैठी है, पर टारगेट वो सेठ था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, एक बहुत बड़ा सेठ जिसने सारी जिंदगी कंजूसी कर करके कई तिजोरियां भर के रखी, रोज शाम को तिजोरियां खोलता है, उनके आगे अगरबत्ती करता है, लक्ष्मी की पूजा करता है और खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना कंजूस है कि दूसरे पर तो क्या खर्च करना था, अपने पर भी कभी कोई खर्च नहीं किया, फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रूखी सूखी खाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, पर लक्ष्मी को जमा करता रहता है। ये घटना गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं और दास पहले भी सुना चुका है, पर ये बार बार इसकी जरूरत है समझने की, ये बात यहाँ पर प्रवेश कर जाए कि लक्ष्मी पूजा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका अंतिम समय आ गया, जमदूत आ गए लेने, कहने लगे भाई चलो तुम्हारा समय हो गया। घबरा गए, अपनी तिजोरियों की तरफ देखता है, धन को देखता है, हैरान हो रहा है कि इतनी मेहनत से मैंने कमाया, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। जमदूतों से कहता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने तो अपने धन का सुख लिया ही नहीं। जमदूत कहने लगे भाई यहां पर छोड़ने वाला कोई हिसाब नहीं, तेरा समय हो गया है चल। ये जमदूतों से कहता है काम करो, 20-25% आप ले लो, पर मेरी जान छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत मुस्कुराते हैं, चुप खड़े रहते हैं, हाथ पांव जोड़ता है, कहने लगा ठीक है आधा धन ले लो, पर मुझे छोड़ दो, लेकर मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं। जमदूत कहते हैं भाई इस धन की वहां पर कोई कीमत नहीं, वहां पर यह नहीं चलता, तो चल। तो सेठ कहता है मुझे थोड़ा समय तो दे दो, 5 मिनट दे दो। जमदूत कहते हैं ठीक है ले लो। तो सारी तिजोरियां खोलता है, सारा धन इकट्ठा करता है, एक तरफ रखता है और गालियां देने शुरू कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी देवी को गालियां देने शुरू करता है, मैंने तेरी पूजा की सारी जिंदगी, दिन रात तेरी पूजा की, अब मुसीबत में हूं, बचाने तो आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह अपने मुखारविंद से घटना सुना रहे हैं कि उस वक्त लक्ष्मी देवी प्रकट हुई वहां पर और कहने लगे मूर्ख तो मुझे अब शब्द कह रहा है जिसने सारी जिंदगी मुझे कैद करके रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी गरीब की मदद नहीं की इस धन से, कभी कोई दान नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, अरे कम से कम रिश्तेदारों को दे देता, रिश्तेदारों के काम आ जाती, मैं नहीं कम से कम मित्रों को दे देता, तब भी माफ कर देती, कम से कम अपने ऊपर तो खर्च कर लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने मुझे सारी जिंदगी कैद रखा, अब तो मैं वहां पर दरगाह में तुझे जाकर नरकों में ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तू भी याद रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी देवी समझाने लगी, अगर यही धन को तूने गरीबों में बांटा होता, दान दिया होता, तो यही धन मैं तुझे सहायता करके सचखंड तक लेकर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी इसका सर झुक गया, जमदूत घसीटते घसीटते ले गए नरकों में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये साखी सुनाई गुरु नानक पातशाह ने, वो सेठ कांप उठा, कांपे भी क्यों ना, सुना ले वाने गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात असर कर गई, उठा, शरीर कांप रहा है, चरण पकड़ लिए, पाछा मेरा क्या होगा, मैं भी ऐसा ही हूँ।
डर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे हम जानते हैं तू भी ऐसा ही है, इसीलिए यह घटना तुझे सुनाई है। जो भी धन है इसे खर्च कर, सही जगह पे लगा, इकट्ठा करके पाप लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी की सही पूजा ये है कि इसे जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। लक्ष्मी की सही पूजा ये है कि इसे खर्च किया जाए। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, धन वो आपका नहीं जितना आपने कमाया, धन उतना ही आपका होता है जितना आपने खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी हम बैठे हैं सबकी कोशिश होती है जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, जमा करके कोई लाभ नहीं। हमारे जाने के बाद वो धन व्यर्थ जाएगा या गलत जगह पे जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने हाथों से खर्च करके जाओ, अपने हाथों से कल्याण करके जाओ। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे पीछे से श्राद्ध करेंगे, हम उम्मीद करते हैं हमारे पीछे से दान करेंगे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे अपने हाथों से अपना काम करके जाओ, पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष एक घटना सुनाया करते थे कि पिता की मौत हो गई, अर्थी लेके जाई गई। जब अर्थी को आग लगाने लगे, दो बेटे खड़े हैं पास में, एक बेटा दूसरे को इशारा करता है कि हाथ में सोने की अंगूठी तो रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान कराते वक्त निकाली नहीं, क्या करें, सबके सामने ले भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा भी पहले की तरफ देखता है, अब क्या करें, पिता की मृत्यु है, शैया पर लेटा है, पर उनका ध्यान कहाँ पर है, अंगूठी पर सोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने हाथों से अपना कल्याण करके जाओ, बाद में कोई कुछ नहीं करता, सब दिखावा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं हैरान होता हूँ कई बार जब घर में मृत्यु होती है, आदमी शोक में डूबा हो या जो गया है उसके लिए नाम जपे, आदमी फोन घुमाता है ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, मेरा नाम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चाई तो यही है ना, मरने के बाद भी हम अपनी ताकत दिखाते हैं ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके कि हमारे घर में मौत हुई इतने लोग आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो पिता की लाश जल रही है, दोनों बेटे खड़े हैं, सब चले गए, वो दोनों बच्चे नहीं जा रहे, सब लोग कह रहे हैं कितना प्यार है, प्रेम है पिता से, अर्थी जल गई पर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उनकी नजर अंगूठी पे है, कोई प्रेम नहीं है मन में। जागो जाग रे मन जागन हारे, जाग लेओ मना जाग लेओ, कहां गाफिल सोया, जो तन उपजा संग ही सो भी संग न हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस तन को तू अपने साथ लेकर आया था एक दिन वो भी तेरा साथ छोड़ गया, तेरे घर वाले तेरा क्या साथ निभाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मी की असली पूजा है इसे जरूरतमंदों में बांटो, आरती करना लक्ष्मी की पूजा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज दिवाली है, दास की सबको हाथ जोड़कर बेनती है, मनाओ जैसा मन करे, जैसा मन करे मनाओ, पर ध्यान दो आपके आस पड़ोस में कोई गरीब है जो दिवाली नहीं मना सकता, उसके घर में खुशियां भरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क होना चाहिए हम में, हम अमृत वेले आते हैं और दूसरों में। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी है, कोशिश करो पड़ोस में या आस पास कोई दिखाई दे। यहाँ पर स्टेशन के पास झोपड़पट्टी है साथ संगत जी एक, जहां पर लाइट तक नहीं है, लाइट तक नहीं। मुझे दो तीन दिन पहले रेखा ठाकुर जी मिले थे यहाँ पर गुरुद्वारे में, दिखा रहे थे उन्होंने एक कैंपेन चालू किया है कि आज के दिन वो अपने घर पर दीपमाला नहीं करेंगे, यही दिए किसी गरीब के घर में जाके जलाएंगे और वहां पर थोड़ा मदद भी करके आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है तरीका दिवाली मनाने का, हम गुरु नानक के सिख हैं। कोशिश करो, जरूर कोशिश करो, अपने आस पड़ोस में गरीब की मदद करो, ये होगी असली लक्ष्मी पूजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।